अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 30 लोगों के लिए मटन की रेशेदार हैदराबादी हलीम। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तीस लोगों की हलीम बनाने के लिए हम क्वांटिटीज कुछ इस तरह से लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेजर करके 500 ग्राम गेहूं का दलिया, या फिर आप क्रैक ब्रेड भी कह सकते हैं, वो लिया है यहाँ पे। सौ ग्राम बासमती चावल लेंगे। सौ ग्राम मसूर की दाल लेंगे। सौ ग्राम तुअर की दाल। सौ ग्राम मूंग की दाल लेंगे। अब हम इसमें एक मुट्ठी बादाम ऐड करेंगे। ये बादाम ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इन दालों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसको 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रखेंगे। अब हम इन भिगाई हुई दालों में 100 ग्राम वॉश की हुई चने की दाल ऐड कर लेंगे। दालों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इनको 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ेंगे। आप चाहे तो इसको रात में भिगा के ओवरनाइट भी भीगने के लिए रख सकते हैं। दालों को भिगने रख के 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम इनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। दालों को और दलिये को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। दलिया ग्राइंड करने के बाद अब हम गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 किलो बोन वाला मटन लिया है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। गोश्त की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। गोश्त में हम सबसे पहले 1/2 किलो दही डाल देंगे। तीन सौ ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दस हरी मिर्च डालेंगे। 5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कबाब चीनी ली है, 1 टीस्पून शाही जीरा है, 1/2 टीस्पून लौंग है, 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्च है, 12 लौंग है और 4 दालचीनी के स्टिक, 4 स्टार अनीस है। आधा बंच कटा हुआ कोथमीर डालेंगे और हैंडफुल पुदीना डालेंगे कटा हुआ। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको गला लेंगे। गोश्त को गलाने के लिए मैं इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्लो कुकर में भी गला सकते हैं, या फिर आप उसको खुला भी गला सकते हैं। तो अब हम इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हुए गोश्त को गला लेंगे। गोश्त को मैंने इंस्टेंट पॉट के पैन में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। उस चीज़ का ख्याल रखना है कि गोश्त आप जब आप हाथ लगाएंगे गोश्त को तो वो रेशा रेशा हो जाएगा। तो
तो वो गोश्त अच्छी तरह से गलेगा और हरी सच्ची बनेगी उसकी। मैं इंस्टेंट पॉट में गला रही हूँ इसीलिए मुझे पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इंस्टेंट पॉट खोल के चेक कर लेंगे कि गोश्त किस तरह से गला है। देख सकते हैं आप लोग के गोश्त अच्छी तरह से गल गया है और आप जो भी चीज़ में गलाएंगे गोश्त को इसी तरह से गलना चाहिए गोश्त। अब हम गोश्त और शोरबे को सेपरेट कर लेंगे और गोश्त को हड्डी से अलग करके हम उसको रेशा रेशा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गलाए हुए गोश्त को एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है ताकि नीचे शेरवा अच्छी तरह से निकल जाए इसमें से और फिर गोश्त अलग हो जाए। अब ये गोश्त ठंडा होने के बाद हम इसको हड्डी से अलग कर लेंगे। गोश्त ठंडा होने के बाद मैंने इसको इस तरह से श्रेड कर लिया है अच्छी तरह से और इसका रेशा रेशा अलग कर लिया है। अब हमारे पास जो खोरमा है बचा हुआ अब हम उसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे ताकि हम हरी के ऊपर से गार्निशिंग कर सकें। मैंने यहाँ पे एक टीस्पून साबित काली मिर्च ली है, एक टीस्पून कबाब चीनी ली है और 4 स्टार एनीस लिए हैं। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे और ये हम पाउडर हरीस में ऐड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हरीस के लिए गोश्त को गलाने और मैश करने के बाद अब हम दलिए की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े से वेजल में 5 लीटर पानी लिया है। अब हम उसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। जब ये पानी अच्छी तरह से पकने लगेगा तब हम उसमें ग्राइंड की हुई दालों को डाल देंगे। पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है, अब हम उसमें ग्राइंड किए हुए दालों का पेस्ट डाल देंगे। दालों का पेस्ट डालने के बाद इसको हम कंटिन्यूस पकाते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। इस तरह से लम्स बनने नहीं देना चाहिए। दालों का पेस्ट डालने के बाद हम इसको कंटिन्यूस अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, लम्स बनने नहीं देंगे और हम इसको 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे इस तरह से पकाते जाएंगे। दलिये को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें खोरमा डाल देंगे। अब हम दलिये में पाउडर किया हुआ कबाब चीनी, काली मिर्ची और स्टार एनिस का पाउडर डाल देंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और कंटिन्यूस चमचा चलाते जाएंगे। अब हम इसमें श्रेड किया हुआ गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसमें घेटा मारते जाएंगे। अब हम इसमें फ्राई की हुई अनियन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 किलो प्याज लेके अच्छी तरह से बिरयानी की प्याज की तरह फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें 1/2 से ज़्यादा प्याज डाल देंगे और थोड़ी सी प्याज हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे इतनी प्याज रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें 300 ग्राम असली घी डालेंगे। आप चाहे तो
तेल भी डाल सकते हैं। मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। और इसमें हम 1 कप कच्चा दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज के नींबूओं का रस निकाल लिया था, अब ये भी ऐड कर देंगे हम इसमें। अब हम इसमें 1/2 पंच कोथमीर अच्छी तरह से काट के डालेंगे। हरी इसको हम 1/2 घंटे तक हाई फ्लेम पे पकाते जाएंगे और कंटिन्यूस उसमें घेटा मारते जाएंगे। हरीज को पकने रख के 1/2 घंटा हो चुका है और ये हमारी रेशेदार मज़ेदार सी हरीज बन के बिल्कुल रेडी है। ये रेडी है, अब हम फ्लेम ऑफ करके सर्व कर लेंगे। अब हम हरीज को गार्निश कर लेंगे। अब हम हरीज को गार्निश करने के लिए वो ऑयल यूज करेंगे जो हमने खोरमे के ऊपर से थोड़ा सा निकाल के रख लिया था। थोड़ी सी फ्राइड अनियन डालेंगे इसके ऊपर से। थोड़े से फ्राई किए हुए काजू डालेंगे। थोड़ी सी कटी हुई कोथमीर। और स्लाइस किए हुए नींबू। ये हमारी हैदराबादी मटन हलीम बनके रेडी है और ये रेडी टू ईट है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।